तो चारों तरफ बस ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्थर। तो हम लोग लगभग उस जगह तक आ पहुंचे हैं जहाँ मतलब लोग ऐसा कहते हैं, लोक मान्यताएं है कि लूना चमाड़ी जी आज भी उस जगह पर जिंदा है। तो पता नहीं वो जगह कैसा होगा। तो ये पेड़ देखिए, ये पेड़ ऐसा लग रहा है कि जब तूफान का सीजन था तब तूफान में ये पेड़ गिरा हुआ था। तो इस पेड़ का जो पोजीशन है कैसे गिरा था वो देखिए। तो लोक विश्वास अनुसार लूना चमाड़ी जी जहाँ पे जिंदा है ऐसा लोग कहते हैं, वो जगह एक्चुअल में लूना चमाड़ी जी का साधना स्थली है। तो हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलोगे। और वो जो साधना स्थली है कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना और वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक साथ। तो आते आते हम लोग बहुत ही घना जंगल के अंदर पहुँच गए, जहाँ आप लोग देख ही रहे हो रास्ता नहीं है। तो ये जो जंगल है थोड़ा मैं साफ करके आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं जिस जगह में, वो है लूना चमाड़ी जी का जो साधना स्थली। तो ये आगे हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे है, लेकिन इससे पहले चलिए थोड़ा लूना चमाड़ी जी के बारे में जान लेते हैं। लूना चमाड़ी जी तंत्र शास्त्र में माहिर थी, क्योंकि तंत्र शास्त्र में जितने भी कलुए हैं सभी को लूना चमाड़ी जी ने सिद्ध किया हुआ था, और इसी कारण से ही लूना चमाड़ी जी को तंत्र शास्त्र के महारथी बोलते हैं। और टीडियाराज के बारे में आप लोगों ने सुना है कि नहीं, जरूर सुने होंगे आप लोगों ने टीडियाराज के बारे में। टीडियाराज ऐसी एक जगह है जहाँ पे मायावी और सुंदरी स्त्रियाँ रहती है, लेकिन टीडियाराज में मर्द का प्रवेश बिल्कुल ही वर्जित है। गलती से भी कोई मर्द अगर टीडियाराज में प्रवेश कर लिया तो टीडियाराज की जो सुंदरी मायावी औरत है वो लोग उस मर्द को अपने तंत्र मंत्र के द्वारा जानवर में बदल देती थी। और मान्यता अनुसार जिस मंत्रों के द्वारा टीडियाराज की मायावी सुंदरी औरतें मर्द को जानवर में बदल देती थी, वह मंत्र में भी लूना चमाड़ी जी माहिर थी। सीरिया राज्य में मर्दों को जानवरों में बदलने का जो मंत्र लूना चमाड़ी जी जानती थी, मान्यता है कि लूना चमाड़ी जी से ही सीरिया राज्य की जो मायावी औरतें थी या फिर जादूगरनी या योगिनी जो भी आप कह सकते हो, तो उन लोगों ने भी लूना चमाड़ी जी से ही यही मंत्र सीखा था। और लोग कहते हैं कि उसी मंत्रों के द्वारा वो जो सुंदरी स्त्रियाँ होती थी सीरिया राज्य में, उसी मंत्र उच्चारण से मर्दों को जानवरों में बदल देती थी। तो हम लोगों ने तो ये बहुत बार सुना है कि सीरिया राज्य में मर्दों का प्रवेश बिल्कुल भी वर्जित है। गलती से भी अगर किसी ने सीरिया राज्य की सीमा तक अगर पहुंच भी लिया किसी मर्द ने, तो उस मर्द को वापस आने नहीं दिया जाता था, उसे जानवर बनाकर उसी सीरिया राज्य में कैद करके मर्दों को रख लेते थे। तो ये बात कितना सच है कितना झूठ है इस बारे में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना भी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने भी सीरिया राज्य में आके ही वो फंस गए थे। फिर उनके जो शिष्य है गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने स्त्री का वेश लेके उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को सीरिया राज्य से बाहर निकाला था। तो ये सब तो अलग अलग चैप्टर है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। लेकिन हम अभी बात करेंगे जो मंत्र लूना चमाड़ी जी जानती थी, सीरिया राज्य में अगर किसी मर्द ने प्रवेश कर लिया उनको कैसे जानवरों में बदलना है, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि ये बात कितनी सही है या कितना गलत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है और हम लोगों को भी ये पता है कि लूना चमाड़ी जी के स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उन्होंने तंत्र शास्त्र में इतना महारत हासिल किया हुआ था, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी का बुराई नहीं किया। तो ऐसे में क्या लूना चमाड़ी जी या फिर टीडियाराज की वो मायावी सुंदरी औरतें जिन्होंने लूना चमाड़ी जी से यह मंत्र सीखा था जिसके द्वारा आदमियों को जानवर में बदल सकती थी, उस मंत्र का प्रयोग बिना कुछ सोचे समझे किसी भी मर्द के ऊपर किया जाता था? तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि टीडियाराज में जो मायावी सुंदरी औरतें थी वो लोग असल में योगिनी थी, और योगिनियाँ बिना किसी कारण, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी का भी नुकसान नहीं करती है। तो असल में होता ये था,
जो मर्द तिरिया राज में कुछ गलत मंशा से प्रवेश करता था या फिर उन योगिनियों का फायदा उठाने की मंशा से तिरिया राज में प्रवेश करता था, सिर्फ उसी मर्दों को तिरिया राज की सुंदरी मायावी औरतें जानवर में बदल देती थी। तो अभी हम लोग लूना चामारी जी का जो साधना स्थली थे नज़दीक आ गए है और देख ही सकते हो सूरज भी ढल रहा है और बहुत घना जंगल है इधर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मान्यता ये है कि लूना चामारी जी जो है वो शिव जी की परम भक्त थी। तो हम अभी जिस जगह पे हैं तो वहाँ के लोग भी ऐसा कहते हैं कि इस स्थान में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो एक पहाड़ी में है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक। तो जो बीच का जो कुछ है वो हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे, वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग उस शिव मंदिर तक जा रहे हैं, रास्ता बहुत घना है, तो जाओगे आगे? हाँ जरूर। अच्छा actually, रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ। तो अभी इधर थोड़ा मंदिर के पास हम लोग आगे हैं और इधर में थोड़ा खुला जगह है और इस मंदिर को लेके प्राचीन कहानी भी है, वो भी साथ ही आप लोगों को हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली रास्ता बहुत मतलब रास्ता नहीं ही है और मतलब वो सांप का भी कुछ डर होता है ना, तो इसीलिए मैं मानस से पूछ रही थी कि वहाँ तक जाओगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं अभी तो नहीं इतना दूर आ ही गए हैं, तो जरूर जाएंगे हम लोग। हाँ, है ना। हाँ, और आप लोग तो है ही हम लोगों के साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी उस जगह तक आ पहुँचे हैं और वो मंदिर भी मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हालांकि मंदिर का कंडीशन कुछ ठीक नहीं है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, फिर भी चलिए हम नज़दीक से देखते हैं, आइए हमारे साथ। तो पहले जंगल, फिर यहाँ पे एक जंगल इतना नहीं है, खुला खुला सा ही जगह है। तो आते ही सबसे पहले देखिए ये एक कुछ दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा पता नहीं क्या है, तो चलिए नज़दीक से देख लेते हैं क्या है। तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, मतलब मुझे ना सांपों से डर लगता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे सूखी पत्तियाँ भी है तो पत्तियों के नीचे भी सांप रहते हैं, तो इसी का ही डर है, बाकी तो किस बात का डर है ना। तो एक्चुअल में पता चल नहीं रहा ये है क्या, लेकिन 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 ये हवन स्थली है, हवन स्थली है, क्योंकि देखिए मानस दिखा दो, तो ये देखिए ये हवन स्थली है, यहाँ पे महादेव का त्रिशूल है और लगता है किसी ने हवन किया था, बहुत दिन हो गया शायद, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि रिसेंटली किसी ने किया है हवन। तो हवन स्थली हमने देख लिया, तो मुझे आगे एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है, कि किसका पेड़ हो सकता है, बरगद या क्या पता नहीं चल रहा। देखिए पेड़, वाव, यहाँ पे भी एक त्रिशूल है, महादेव का त्रिशूल है, और यहाँ पे भी देखिए एक पूजा स्थली है, पता नहीं ये किस तरह का पूजा स्थली है, तो ये समझ में आ नहीं रहा है। और आगे मुझे एक बहुत सुंदर सा फूलों का जो ट्री है वो दिखाई दे रहा है, ये देखिए मतलब बरगद के पेड़ के नीचे महादेव का पूजा का स्थान, साथ में ये फूलों का एक ट्री भी है। इस फूल को आप क्या कहते हो? इसको ना हम असमिस में कागज फूल कहते हैं, क्योंकि कागज़ मतलब पेपर, क्योंकि इसका जो पेटल्स है वो कागज़ की तरह ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए हमारे साथ। तो मंदिर तक हम लोग आ पहुँचे हैं लगभग जहाँ पे माना जाता था कि लूना चामारी जी साधना करती थी। तो ये है वो मंदिर, महादेव का मंदिर, ये देखिए ये देखिए। तो यही है वो महादेव का मंदिर, महादेव का शिवलिंग, जहाँ पे कहते हैं कि लोग की लूना चामारी जी यहाँ पे साधना करती थी। लेकिन इस मंदिर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा अभी भी आप लोगों को बताना बाकी है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। और देखिए ये जो पत्थर है कितना बड़ा है, ये साइज में कितना बड़ा है, बाप रे। और कुछ स्ट्रक्चर भी अजीब है, अरे बंदर, बंदर भी है वहाँ पे, माय गॉड भाग गया, तो अचानक से बंदर दिखाई दिया, मैं डर गई। फिर भी चलिए आते हैं मेन अभी जो वीडियो का जो पार्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है महादेव का एक त्रिशूल,
यहाँ पे भी कुछ पूजा का जो स्थान है वो है, तो ऐसे फूल सजाया है, यहाँ पे भी जो है मतलब कुछ टीका लगाया हुआ है, तो पता नहीं ये क्या है एक्चुअली। तो शायद इस शिलाखंड का भी कुछ महत्व होगा क्योंकि यहाँ पे टीका लगाया गया है 3। और ये जो देखिए यहाँ पे जो फूल है, फूल भी कुछ अलग ही तरीके से मतलब यहाँ पे फूल चढ़ाया गया है, तो शायद इसका भी कुछ अलग ही महत्व है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में भी और इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी में भी। तो शिव जी का जो मंदिर है आप लोगों ने देखा, और मान्यता ऐसा है कि इसी मंदिर में लूना चमारी जी भी अपना साधना किया करती थी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, और मैं शिव जी का मंदिर से थोड़ा आगे आया और आप लोग भी देख सकते हो इस तरफ ये दो पत्थर है बहुत ही बड़ा, और दो पत्थर ही दरवाजे के जैसा बंद है। तो लोकमान्यता ये है पत्थर का दीवार जो है आज से लगभग 40-50 साल पहले ही बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन जो ये शिवजी का मंदिर आप लोगों ने देखा, असल में वो शिवजी का मंदिर यानी कि जहाँ पे लूना चमारी जी अपना साधनाएं किया करती थी, वो शिवजी का मंदिर इस पहाड़ के ऊपर में है, बहुत ही ऊपर में है, और उस मंदिर तक जाने का यही एक रास्ता हुआ करता था। लेकिन ये दरवाजा बंद होने के कुछ ही महीनों पहले एक साधु जन को ये सपने में आया कि ऊपर का जो मंदिर है वहाँ से कुछ हिस्सा लाके इधर पहाड़ के नीचे प्रतिष्ठा करें, और उस साधु ने भी सपने में जो देखा उसके अनुसार ही काम किया, यानी कि ऊपर पहाड़ में जो अवस्थित है मंदिर वहाँ से कुछ हिस्सा लाके इधर नीचे स्थापित किया, और उसके कुछ ही दिन बाद ये जो दरवाजा है अपने आप ही बंद हो गया। और उसी समय से पहाड़ के नीचे ये स्थापित किया गया मंदिर में साल में एक बार कुछ सिद्ध पुरुष से या साधु संत से पूजा किया जाता है। और लोक मान्यता अनुसार मेरे पीछे जो ये पहाड़ी आप देख रहे हो, यहीं पे लूना चमारी जी अभी भी जिंदा है ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि मानस ने जो आपको ये कहानी बताया कि पहाड़ के ऊपर से मंदिर का जो एक हिस्सा एक साधु ने पहाड़ के नीचे स्थापित किया, जहाँ पे साल में एक बार कुछ खास साधु और संत आके पूजा करते हैं, जहाँ पे आम लोग आके पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर जो असली मंदिर है जहाँ पे लूना चमारी जी अपनी साधना करती थी, वो मंदिर अभी भी इस पहाड़ी में है, और उस पहाड़ी में अभी कोई नहीं जा सकता है क्योंकि दरवाजा बंद ही है, और आसपास से भी जाया नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर है, रास्ता भी नहीं है। लेकिन ऐसा मानना है कि पहाड़ के ऊपर अभी भी एक मायावी दीवार है, उस दीवार के आर पार कोई नहीं जा सकता, इसीलिए माता लूना चमारी जी को आम आदमी का देखना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लूना चमारी जी को अगर आज भी देखना है तो वो सिद्ध पुरुष या महिला ही उन्हें देख सकते हैं, हमारे या आपके जैसे आम आदमी उन्हें देख नहीं पाते। और लोक मान्यता अनुसार इस पहाड़ी में जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है जहाँ पे लूना चमारी जी आज भी साधना करती है, वो मंदिर ना रूफ से लेके फ्लोर तक सभी कुछ ना बड़े बड़े पत्थरों से ही बना हुआ है, और ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे आज भी लूना चमारी जी साधना करती है। तो चलिए अब बात करते हैं ये महापवित्र जगह कहाँ पे है। ये जगह है असम के नीलाचल पहाड़ की आसपास ही कहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।